आपने सनस्क्रीन खरीद तो ली, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना है। और उसके लिए चंद टिप्स मैं आपसे शेयर कर दूं बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। होता ये है कि जैसे इस वक्त मैं सूरज में एक्सपोज्ड हूँ, अगर मैं इस वक्त सनस्क्रीन अप्लाई करता हूँ और मुझे स्वेटिंग होती है तो वो सनस्क्रीन मोस्टली ज़ाया हो जाएगी। सो उसका बेस्ट तरीका ये है कि नंबर वन, आप सूरज में आने से पहले कोई 20 से 30 मिनट पहले, जब आप अपने कैंप में मौजूद हैं, शेल्टर में मौजूद हैं, इंडोर्स मौजूद हैं, साए में मौजूद हैं, तो उस वक्त आप अपनी एक्सपोज स्किन को सनस्क्रीन अप्लाई कर लें। तो जब आप धूप में आते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, तो वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी होती है और वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन का काम शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से या आप भूल गए छांव में अप्लाई करना और आप धूप में आ चुके हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल कि बेशक आप उस धूप में वो अप्लाई कर लें। सिर्फ उसमें फ़र्क ये होगा कि आपको री अप्लाई कुछ देर बाद दोबारा करते रहना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो सके। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आपने कहाँ कहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। यस, अ पर्सन लाइक मी हु नीड्स टू वेयर अ हैट, तो मेरे पास जब ये हैट मौजूद है जो मेरे सर को कवर कर रही है, तो मुझे सर पे सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो कॉमन सेंस ये कहती है कि आपके तमाम एक्सपोज्ड स्किन पार्ट्स शुड बी कवर्ड विद सनस्क्रीन। यस, हाथ की हथेली पे ज़रूरत नहीं होती। हाथ का बैक साइड, आपका ख़ासतौर पे नाक, आपके ये चेहरा, आपके ये कान की जगह, ये गर्दन, ये वो जगह हैं जहाँ जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। सो आपको अपनी तमाम एक्सपोज स्किन को कवर करना होता है। यस, जब आप ऐसी बहुत ज़्यादा इंटेंस आउटडोर में हो, तो आप सनस्क्रीन के साथ साथ अपनी लेयरिंग के साथ भी खेलें। बिकॉज आई एम वेयरिंग अ फुल स्लीव शर्ट, तो उससे मेरी ये बाजू कवर हो रहे हैं। अगर आपके फुल स्लीव नहीं है तो फिर आपको अपने बाजू को भी कवर करना होगा। इस सनस्क्रीन को अप्लाई कैसे करना है, जनरली उसके लिए एक जो ग्लोबल फार्मूला है वो ये है कि आप तकरीबन दो उंगलियों के बराबर अपनी उंगलियों पे ये सनस्क्रीन ले लेते हैं। सो दिस इज़ द अमाउंट यू नीड फॉर योर फेस। सो इसका मतलब ये है कि इस अमाउंट को छोटे छोटे डॉट्स में लेके मैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दूंगा और इस तरह से। और मैंने चूंकि ग्लासेस पहने हैं और कैप पहनी और मुझे पता है कि मैंने हर वक्त ये यूज़ करना है, सो मैं अपने इस माथे को और आँखों वाले एरिया को कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास ग्लासेस नहीं हैं और आपके पास हैट या कैप या स्कार्फ नहीं है, तो फिर आप अपने माथे को भी कवर करेंगे। ऑलराइट, सो ये लें जी, मैंने अपने ग्लासेस पे भी अप्लाई कर दी थोड़ी सी सनस्क्रीन। ये जो कानों वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ख़ास तौर पे ये कान का ऊपर का हिस्सा ये झुलस जाता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस सफ़ेद रंग से परेशान मत होइएगा। यस, आपकी तस्वीरें आपको लगता है कि बहुत अच्छी नहीं आएंगी, आपका मेकअप, आपका स्किन कलर, वो सारे आपके एक्सप्रेशन शायद इसके नीचे छुप जाएँ, लेकिन आई टेल यू दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बींग सनबर्न्ड जब आप वापस जाएँ। और इसी तरह से आपकी जो गर्दन है, गर्दन की ख़ास तौर पे जो बैक साइड, बिकॉज बैक साइड काफ़ी एक्सपोज होती है तो ये झुलस जाती है, इसको भी अप्लाई करें। तो अब एक दफ़ा मैंने हर जगह पे ये डॉट डॉट डॉट्स अप्लाई करके और उसको अब रब कर लेना है। सो रब दो तीन फिंगर्स के साथ रब कर लें ताकि आपके हाथ के ऊपर वो रुकी ना रह जाए बल्कि आपके स्किन के ऊपर आ जाए। नाउ यू लुक बिट फंकी, बट अगेन आउटडोर कम्युनिटी के अंदर व्हेन यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन आउटडोर्स, सो पीपल नो दैट इट्स बीइंग प्रो टू अप्लाई सनस्क्रीन। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अप्लाई करें पूरी तसल्ली से और इवनली तमाम सरफेस को एक थिक लेयर से कवर कर लें, उससे ये होगा कि आपका वो पार्ट सूरज की शॉ से बच जाएगा। अच्छा, फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज गॉट मूस्टैश एंड स्मॉल बियर्ड, तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग, खासतौर पर मर्द हजरात, ये गलती कर लेते हैं कि अपने बालों के ऊपर, दाढ़ी मूछ के ऊपर भी लगा लेते हैं। नो नीड, दैट्स योर नेचुरल प्रोटेक्शन। यस, क्लीन शेव हजरात या खवातीन या बड़े बच्चे, तो वहाँ पर आपको तमाम स्किन को कवर करना ज़रूरी है। आँखों के अंदर ना लगाइएगा, बिकॉज कई दफ़ा उसके केमिकल कॉम्पोजिशन से आपको जलन हो सकती है। इसी तरह से मैं सनस्क्रीन लूंगा अपने हाथ की बैक साइड के ऊपर, आई अप्लाई डिफरेंट डॉट्स लाइक दिस और इन डॉट्स को ही फिर मैं यहां पे
स्प्रेड कर लेता हूँ और ये मेरी हाथ की बैक साइड इस तरह से कवर हो जाती है। सो ये आप देखें, अगेन आई हेट दिस होल वाइट एंड स्टिकी थिंग ऑन माई स्किन, बट आई टेल यू बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, आई मीन दिस इज लाइफ सेवर। कई दफ़ा हुआ कि मेरे आउटडोर एक्सपीरियंस के बाद वापसी पे अगले दिन ही मेरी कोई ऑफिशियल मीटिंग है या ट्रेनिंग है या कोई ऐसा काम है, तो वहाँ पे सनस्क्रीन इज़ माय फेस सेविंग फैक्टर, इसकी वजह से मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकता हूँ। सो मेरे हाथ और मेरा चेहरा, मेरी गर्दन इस वक्त सूरज की रेडिएशन से काफ़ी हद तक बच चुकी है, लेकिन कब तक? जनरली इट इज़ सेड कि सनस्क्रीन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो तेज़ धूप में 1.5 से 2 घंटे तक रहती है, जिसका मतलब ये है कि एक दिन में आपको मल्टीपल टाइम्स हर तकरीबन 2 घंटे के बाद आपको एक लेयर अप्लाई करनी होती है, जिसकी वजह से मेरी सनस्क्रीन मेरे पास हैंडी रहती है इस तरह के दिन के अंदर। एक और फैक्टर जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि लोग समझते हैं कि जिस दिन बादल मौजूद हैं या आप हाई एल्टीट्यूड पर ठंडी जगहों पर मौजूद हैं तो शायद उसकी ज़रूरत ना हो, गलत बात है, आप इसको करेक्ट कर लें। सनी डे या क्लाउडी डे, बोथ डेज यू नीड योर सनस्क्रीन, बिकॉज ये यूवी रेज क्लाउड्स में से 30-40% तक निकल के अपना रास्ता बना के आपकी स्किन तक पहुंच जाती हैं। सो क्लाउडी डे के अंदर भी अप्लाई करना है, इवन आप हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों में हो तो वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको क्लियर इन्वायरमेंट की वजह से यूवी रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है। इसी तरह से अगर आप किसी बीच के ऊपर हैं या बर्फ़ के इलाके में मौजूद हैं तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की वजह से यूवी रेज आपकी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, यू नीड टू रीअप्लाई इट अगेन एंड अगेन। सो दोस्तों, अपने नेक्स्ट आउटडोर ट्रिप के अंदर नाउ यू नो व्हाट इज सनस्क्रीन, हाउ टू बाय इट, हाउ टू अप्लाई इट एंड हाउ टू सेव योर फेस।